कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया, कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। कोई किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। प्रसाद जी, 17,000 लोगों से जो बात की आपने, जी 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे? करेंगे नहीं साहब, 17,000 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी हैं। उसके बाद आप पार्टी बनाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17,000 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में है, वो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज़्यादातर लोग मिलकर जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता के गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं। सॉरी सर, जी साहब, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं, और एक साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूँ और जो बात मैंने 2020 में कही थी मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूँ, उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूँ कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव एनफ पीपल, दे माई कॉलीग्स हु हैव वर्क विथ मी, दे आर फार मोर कैपेबल देन मी। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आईपैक इज इन गुड हैंड्स, दे विल कंटिन्यू टू वर्क ऑल वेयर दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है। प्रसाद जी, आप खुद डेटा एनालाइज करते रहे हैं 10 सालों से, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, फेस इश्यूज एंड कास्ट। बिहार जैसे इंपॉर्टेंट कास्ट रिडन सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि आप अगली जाति से हैं, कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? क्योंकि लालू जी आए तो एक वर्ग के नेता बने, उनका आधार वोट बना। नीतीश जी आए, एक वर्ग के नेता बने, आधार वोट बना, फिर उन्होंने अपना तोड़ फोड़ किया जो भी सोसाइटी में। फिर आपका आधार वोट क्या रहेगा? मुद्दे रहेंगे लेकिन मुद्दों से काम चलता नहीं है, तो क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे, ब्राह्मण हो गए? देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ ये स्वाभाविक प्रश्न है और कई मैं आर्टिकल्स, लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ, अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट
आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतरी सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे जिस व्यक्ति जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूं, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। साहब मैं 1 घंटा यहाँ बैठा हूँ, 2 घंटे जरूरत है तो बैठूंगा। आप एक एक करके पूछेंगे तभी मैं आंसर दे सकता हूँ। नीतीश जी, जब तक आप किसी दल में शामिल किसी पार्टी की घोषणा नहीं करते हैं तब तक क्या कांग्रेस में शामिल होने का जो दरवाजा है खुला है या ये चैप्टर क्लोज माना जाए? और दूसरी बात कि इतने सारे दलों से जुड़े होने या अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए काम करने के बाद आइडियोलॉजी के लेवल पर आप किसके साथ अपने को ज्यादा करीब पाते? देखिए, आपने कहा कांग्रेस का रास्ता, भाई कांग्रेस से बातचीत एक दूसरे फॉर्मेशन में हो रही थी, उन्होंने और हमने ऐसा मिलकर तय किया कि आगे चलने की अभी कोई संभावना नहीं है। उसके साथ ही मैंने आपको ये कहा कि मैं आपके सामने कैमरे पे पब्लिक को ये एश्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपना समय अपना तन मन बल बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। अब आगे मैं कांग्रेस के साथ काम करूँ या किसी के साथ काम करूँ, अगर एक मिनट उसकी संभावना मान भी लें बहस के लिए, तो भी बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है और बिहार सेंटर में ही, उस पूरी परिकल्पना में बिहार सेंटर में रहेगा ही रहेगा। इस चीज पे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। किस चीज के लिए? जन सुराज कैंपेन के लिए फंड रेजिंग कैसे होगी, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे मेरे भाई? ऐसा है कि जिसके साथ जनता का समर्थन है, अगर जनता का समर्थन मेरे पास होगा तो वोट है का जुगाड़ हो जाएगा। समाज पैसे का की व्यवस्था कर देता है, आप उसकी चिंता न करें। और अगर कोई कमी होगी तो आपके माध्यम से जनता को अपील करेंगे कि कुछ और रिसोर्स के साथ हमारी मदद की जाए। मेरे भाई, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शुरुआत आपने की तो 6 महीने में उसका रिजल्ट या उसकी परिणति होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बात बिहार की जो मैंने शुरू की थी वो इसलिए छोड़ दिया या उसको रोक दिया क्योंकि 1 महीने के बाद कोविड की महामारी शुरू हो गई। अब कोविड के दौरान अगर मैं पदयात्रा करता और हर घर में जाता तो आप मुझे दोष देते या मेरी सराहना करते? मैं कोविड खत्म होने का वेट कर रहा था, अभी तक कोविड खत्म हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाई लार्ज हम लोग की जो नॉर्मल जिंदगी थी हम लोग उस तरह वापस लौटे हैं। तो मैं उस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ, बात वही कह रहा हूँ जो बात बिहार की मैं कही थी कि आगे 10 साल में बिहार देश के अग्रणी 10 राज्यों में 15 राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है।
बिजनेस एज यूजुअल या जो जिस तरह की सरकारें यहाँ पिछले 15 साल 20 साल से चली हैं, उससे वो रास्ता, उससे वो मंजिल हम नहीं पा सकते हैं। प्रसाद जी, आप ये कह रहे हैं कि 17,000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह के लोग हैं और क्या बिहार में जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो भी आपके संपर्क में हैं, जो आगे आने के लिए आपके साथ तैयार हैं? देखिए, जो मैंने नंबर दिया है मोटे तौर पे 17,500-18,000 लोग, ये वो लोग हैं जिनको मेरे साथी नीचे जाकर मिले हैं, या उन्होंने मुझे पिछले कुछ महीनों सालों में संपर्क किया होगा, या हमने जाकर उनको ढूंढा खोजा है। ये नंबर कोई फिक्स नहीं है। एज वी टॉक दिस नंबर गोज अप। मान लीजिए मैं कल किसी से मिला, उन्होंने चार और व्यक्तियों की का रेफरेंस दिया, उन चारों से मिल रहे हैं। बेसिक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 20,000 के आसपास 17,000-18,000 लोग, समझिए कि एक महीने के बाद ये 20,000 हो सकता है, ऐसे लोग जिनको यहाँ, जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो लोग यहाँ के समस्याओं का समाधान निकालने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें जज्बा है कि कुछ किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन जब तक मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे और उनमें से या उनसे ज़्यादातर लोगों से मिलकर बात न कर लूँ, तब तक मैं ये आपको आश्वस्त तरीके से नहीं बता सकता हूँ कि उनमें से कितने लोग इस सोच से जुड़कर इसके भागीदार बनेंगे। मैंने ये कहा कि अगले 3 महीने में ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनसे बात करके ये तय करेंगे कि कितने लोग तैयार हैं। जो लोग भी तैयार होंगे वो एक साथ बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आगे पार्टी बनानी है, कि मंच बनाना है, कि अभी और समय लगाना है। लेकिन अगर उन्होंने मिलकर तय किया कि एक पार्टी बनानी है, तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको।